गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा पाठ आज हम हिंदी कक्षा पांच की पाठ्य पुस्तक भीम सिंह उसका पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी उसके बारे में सीखें, जिसके लेखक है आर के नारायण और इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है मस्तान कपूर ने। ठीक है, तो आज हम स्वामी की दादी टॉपिक का भाग नंबर 1 सीखें, जिसमें एक छोटा सा लड़का है स्वामी, स्वामीनाथन उसका पूरा नाम है, और उसकी दादी, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने वर्णन किया है। इस पाठ के अंदर एक छोटे से बच्चे की इच्छाएं, उसकी बड़ों से अपेक्षाएं, उसके बारे में लेखक ने हमें बताया। ठीक है, तो हम इस पाठ को सीखने जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर पाठ है, आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, और समझते जाइए। पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी। ठीक है, बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। ठीक है, उसकी जो दादी थी, स्वामीनाथन बच्चा है, उसकी जो दादी है उसके लिए कमरा, भोजन कक्ष और हवादार को, ठीक है, अंधेरे गलियारे के पास वहां पे कमरा है, वो रह रहे कोठरी यानी कमरा, कमरे के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर वो रहती थी, कोठरी में वो रहती थी। उनका सामान था 5 दरियां 3 चादरों 5 पत्तियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा, जिनमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी वगैरह के थे। तो ये दादी का सामान था, जिसमें तकिए हैं, चादर है, एक बक्सा है यानी छोटा सा जो डिब्बा होता है, लकड़ी का होता है, लोहे का होता है, इस प्रकार का डिब्बा उसे बक्सा बोलते हैं। ये सारा सामान दादी का था, जिसमें कौन कौन सी चीजें हुई पहले की, इलायची, लौंग, सुपारी, ऐसी चीजें उसमें रखी हुई होती थी। ठीक है, तो ये दादी इतना सामान लेके अपने कमरे में कोठरी में रहती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के और लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो स्वामीनाथन जब रात होती तो उस वक्त वो दादी के कमरे में चला जाता और दादी के पास वहां पे बैठता और वहां पे सोता, उनके पास ही सोता था वो, तो वहां पे उसे बहुत अच्छा लगता और वो प्रसन्न हो जाता। अक्सर बच्चों को अपने दादी दादा प्यारे होते हैं, तो स्वामीनाथन को भी उसकी दादी बहुत प्यारी थी, वो उन्हीं के पास सोता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानते राजा कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। ठीक है, तो जो स्वामीनाथन है उसने दादी से कहा कि दादी मुझे पता नहीं है, उसका दोस्त राजम और मणि उनके बीच में पहले झगड़ा हुआ था और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, उसके बारे में वो दादी को कुछ कहना चाहता है। ठीक है, दादी को उनकी कहानी, राजम और मणि की कहानी सुनाना चाहता है। तो तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की
बढ़ती है, तब आगे वो बता रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि उसके पास पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, स्वामीनाथन ने कहा कि जो राजा है उसके पास पुलिस की वर्दी है। ठीक है सर, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। दादी को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के को पुलिस की वर्दी की क्या जरूरत है, तो क्वेश्चन कर रही है कि उसे भी क्यों चाहिए। ठीक है, उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, आगे स्वामीनाथन बता रहा है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफी प्रभावित हुई, उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रावदास सब मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट ने जज। अब दादी स्वामी की पूरी कहानी अभी सुनी नहीं, के बीच में उसने दादा की कहानी शुरू कर दी और वो कहती है कि उसके दादा जो थे वो सबसे बड़े सब मजिस्ट्रेट थे, यानी जज थे कोर्ट के अंदर, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे, यानी इतना रौब था उनका। ठीक है, इतने स्ट्रीक थे वो कि पुलिस वाले भी उनके सामने कांपते थे और डाकू खूंखार से खूंखार डाकू भी उनको देखकर भाग जाते थे। तो इस तरह से दादी ने दादा की कहानी बीच में शुरू कर दी। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। ठीक है, अब स्वामीनाथन को इस बात की चिंता है कि दादी कब खत्म करे अपनी कहानी और वो राजन की कहानी को सुनाए। अधीर होकर, ठीक है, वो इस बात का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडुमडु करती हुई बोले ही जा रही थी दादी। तो दादी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, दादा की बात बता रही थी, दादा की कहानी वो लगातार कह रही थी और उसमें भी गडुमडु करती हुई इधर उधर करती हुई। अब स्वामीनाथन को इस बात की चिंता थी कि दादी कब अपनी बात को रोके और वो राजन की कहानी सुनाए, इसके लिए वो बेचैन था। देखिए दादी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, बस काफी है दादी, उसने रुके स्वर में कहा, अब वो उसे रहा नहीं गया तो वो दादी को बीच में रोकना चाहता है और दादी से कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है दादी, मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते? अब स्वामीनाथन अपनी बात दादी को बता रहा है कि तुझे पता है राजन जो है उसको मैथमेटिक्स के अंदर कितने मार्क्स मिलते हैं? ये सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते। स्वामीनाथन ने उत्तर दिया दादी को कि राजम को 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स, ठीक है, वो उसे मिलते। चलो अच्छा, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। दादी से सलाह दे रहे थे कि बेटा तुझे भी मेहनत करनी चाहिए और राजन की तरह तुझे भी इस प्रकार के नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। दादी अपनी बात शुरू कर देती है, बीच में दादा के बारे में बताती है कि बेटा तुझे पता है तेरे दादा जो है परीक्षा के अंदर ऐसे पेपर लिखते थे जो परीक्षक जांच करने वाले भी चकित रह जाते थे।
किसी सवाल का जवाब देने में दूसरों के मुकाबले दसवां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी दादी आगे बता रही है कि जब उनको कोई प्रश्न पूछा जाता तो वो अन्य स्टूडेंट से बहुत कम समय में उसका आंसर दे देते थे, दसवां हिस्सा, ठीक है। और फिर उनके जवाब इतने शानदार कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। देखिए दादी बता रही है कि वो जब आंसर देते थे तो अध्यापक यानी टीचर इतने खुश हो जाते थे कि कभी कभी उनको 200 तक नंबर दे देते थे, ठीक है। इस तरह से वो अपनी बात में आने के बड़ा हंसा के कह रहे थे। जब उन्होंने तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। जब उन्होंने दादा ने एमए किया मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो उस वो डिग्री उनको जब मिली तो साथ में उनको गोल्ड मेडल दिया गया था। तो वो मेडल दादी के लिए कि मैं अपने गले में डालकर कई वर्षों तक घूमती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, वो कह रही है कि मुझे मालूम ही नहीं कि ये मेडल मैंने गले में से कब उतारा। और जब तुम्हारी बुआ या तुम्हारे पिता पैदा हुए उस वक्त या उसके बाद में, ये दादी को पता नहीं है। तो दादी ये मेडल कब उतारा वो नहीं जानती। जो स्वामीनाथन है वो अपनी बात दादी को बताना चाहता है, लेकिन दादी बीच बीच में दादा की बात कह रही है और वो स्वामीनाथन को अपनी बात खत्म नहीं करने दे रही है। तो स्वामीनाथन इससे चिढ़ जाता है, उसे गुस्सा आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों आज हम यहां तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।